घर में निकला है स्नैक। और बहुत छोटा सा स्नैक है, दिखाते हैं आपको थोड़ा सा आगे चल के। बहुत खतरनाक आइटम है। ये इतना ही बड़ा रहता है कि ये भी बड़ा होते इतने कितने मोटे। एक अच्छा ही मोटा था, काला कलर का। यहाँ ये आ रहा था गेट के पास निकला। अब वो एक है भैया, उनको फोन लगा है, तुम्हारा नंबर था नहीं। वर्मा जी बोले यार क्या मालूम यार, इतना टाइम है कि नहीं। राजू भैया बोले कितना टाइम? 8 बज रहा था। अरे यार 12 बजे 2 बजे लगा दे फोन मेरे को। अरे तो वो भाग गया फिर, ये इधर भागा वो उधर भागा। उसमें छेद कर रहे हैं नहीं। तो फाइनली मिल गया दोस्तों सांप, देख लो। और ये है राजू भैया अपने, उनका नंबर मैं आपको दे दूंगा नीचे, कभी जरूरत पड़े तो कॉल कर लेना। करेत प्रजाति का सांप ये जो है, करेत प्रजाति का होता है, देख रहे हैं आप दोस्तों। करेत करेत प्रजाति का सांप, बहुत खतरनाक चीज। अगर आज किसी को काट लेता तो जान ले लेता। करेत, आओ ठीक है दोस्तों, बाय। हेलो दोस्तों, सॉरी। फाइनली स्नैक का रेस्क्यू कर लिया गया, तो उसको राजू भैया ने ले गए हैं छोड़ने के लिए जंगल। बहुत जहरीला सांप था करेत, और उसको कोड़िया भी कहते हैं हिंदी में। और वो जितना बड़ा था उतना दो तीन लोगों की जान लेने के लिए काफ़ी था। और बहुत फुर्तीला और बहुत ताकतवर सांप था, पकड़ते टाइम बहुत रिस्क समझ में आई। खैर राजू भैया एक्सपर्ट आदमी, वो तो टाइम नहीं लगता उनको पकड़ने में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड मॉर्निंग दोस्तों, इस नए ब्लॉग के साथ आपके सामने। और सुनाइए, बस सुबह सुबह तैयार होकर ड्यूटी जाने का टाइम हो गया। ड्यूटी में मिलते हैं फिर आपको, बस थोड़ी देर बाद निकल जाएंगे ड्यूटी। कमेंट में बताइएगा मच्छी कैसी लग रही। फिर वॉचिंग करके रखना पड़ेगा, देखिए उसकी आँख चमक रही है, अलग ही चमकती दिख रही होगी आपको। देखिए इसको पास से थोड़ा चमकते हुए दिख रहा है, दरार में चौखट की। ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन खतरनाक है, आँख दिख रही है उसकी चमकती हुई, शानदार। बारीक सा बच्चा है, छोटा सा बच्चा है। देखिए हमारे यहाँ एक सर्प मित्र हैं राजू भैया करके, तो उनको बुलाएं फोन करके। इससे पहले एक भैया और हैं, उनको भी फ़ोन किया था, उन्होंने फ़ोन ही रिसीव नहीं किया। और उन्होंने वन टाइम नहीं, सेकंड टाइम हो गया, एक बार और उनको बोले थे कि भैया सांप निकला है, तो बोले यार भगा दो उसको। अरे तो
मैं भी दूर खड़ा हूँ किचन में, लेकिन वो किचन के अंदर ही है। और मोमेंट नहीं है उनकी कुछ भी, अभी वहीं है जगह पे, तो अभी भी वहीं बैठा है और बैठा है कि बैठी है अभी, तो घर को भैया ही बताएंगे आगे, लेकिन एक भी परफेक्ट मोमेंट नहीं है। ब्लैक कलर का ब्लैक शानदार ब्लैक वाला है कोबरा का बच्चा। हम जा रहे हो भैया को देखने, आप पकड़ने वाले अपने सर्प मित्र राजू भैया। बस आज पता नहीं क्यों यहाँ पीछे झंगर ज़्यादा खड़े हैं, हम अपने घर के बाहर उनकी रास्ता देख रहे हैं, जैसे ही आते हैं तो फिर दिखाते हैं। जैसे ही आएंगे तो मान भी देखेगा, उनके रास्ता देख ही रहा है। बाकी तो